दोस्तों, क्या कभी आप ऐसे इंसान से मिले हो जिसे ये लगता हो कि वो एक चलती फिरती लाश है? क्या कभी ऐसे इंसान से मिले हैं जो अपने ही शरीर को खाने लगता हो? दोस्तों, ये सब सुनने में आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जब इन सब बीमारियों के बारे में आपको पता चलेगा तो आपको भी चक्कर आने लगेगा। दोस्तों, देश और दुनिया में अभी भी 80% लोग ऐसे हैं जो दिमागी बीमारियों को एक ही नाम से जानते हैं, और वो नाम है पागलपन। कोई भी बेवकूफ़ी की या फिर अपनी बात लोगों के सामने रख दी तो यही कहा जाता है पागल है क्या। डिप्रेशन से लेकर हाइपरटेंशन तक सब दिमागी बीमारी है, लेकिन लोगों को कौन समझाए, उनकी समझ में तो वैसे भी कुछ नहीं आने वाला। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी दिमागी बीमारियों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। नंबर 1, वॉकिंग क्रॉप सिंड्रोम्स। इस बीमारी को हिंदी में चलती फिरती लाश बोला जाता है। इसका नाम भले ही आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन ये असल में एक बीमारी है। इस बीमारी में मरीज खुद को मरा हुआ समझने लगता है, उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि वो एक लाश है। ये बीमारी अक्सर उन लोगों में देखी जाती है जो हर समय डिप्रेशन के शिकार होते हैं या फिर नींद की कमी होने पर ड्रग का ओवरडोज लेने लगते हैं। नंबर 2, सेल्फ कैनिबलिज्म। इस बीमारी में इंसान अपने शरीर को ही खाने लगता है। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि दुनिया में आज भी आदमखोर लोग हैं। कुछ ऐसी ही बीमारी है ये सेल्फ कैनिबलिज्म, जिसमें इंसान किसी और के शरीर को नहीं बल्कि खुद के शरीर को ही खाने लगता है। इस बीमारी में मरीज के शरीर में इतना यूरिक एसिड बनता है कि इसका असर उसके जोड़, मांसपेशियों और दिमाग पर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से ये मरीज अपने हाथ की उंगलियां या ओंठों को काटने लगता है। कुछ केस में तो इंसान पर इस बीमारी का इतना असर पड़ता है कि उसके दांत ही हटाने पड़ते हैं ताकि वो अपने शरीर को और ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। नंबर 3, एरोटोमनिया। दोस्तों, अक्सर आपने रोमांटिक मूवी में देखा होगा कि कैसे कोई लड़की या लड़का एक दूसरे के प्यार में पागल हो जाते हैं। ये बीमारी भी कुछ ऐसी ही है। इस बीमारी में मरीज को यकीन होने लगता है कि कोई सेलिब्रिटी उससे बहुत प्यार करता है और मीडिया, सोशल साइट या किसी अन्य तरीके से उसे मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है। मरीज प्यार में इतना पागल हो जाता है कि वो किसी भी तरह से उस सेलिब्रिटी का साथ पाने की कोशिश करने लगता है जिसे वो प्यार करता है। ये बीमारी हकीकत में इतनी खतरनाक है कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं, अगर सेलिब्रिटी ने मना कर दिया तो मरीज को लगता है कि ये सच नहीं है और वो हमेशा इस माया जाल में फंसा रहता है। नंबर 4, बोनथ्रोपी। वैसे तो इंसानों के ऊपर कई ऐसे मुहावरे बनाए गए हैं जिसमें इंसानों की तुलना जानवरों से की गई है, लेकिन इस वीडियो में जिस बीमारी की बात की जा रही है उसमें इंसान खुद को वाकई में एक जानवर समझने लगता है। बोनथ्रोपी एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज अपने आप को गाय या बैल समझने लगता है। वो हर समय घास खाने या यूं कहें कि चबाने लगता है। वैज्ञानिकों की माने तो ये बीमारी पहले सपने में होती है, उसके बाद रियल लाइफ में। नंबर 5, एलियन हैंड सिंड्रोम। दोस्तों, हम सभी को पता है कि हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं जिसे हम लेफ्ट और राइट दिमाग बोलते हैं। इस बीमारी में दिमाग के लेफ्ट और राइट पार्ट में सिग्नल ठीक से नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से मरीज का एक हाथ अपने आप काम करने लगता है। इसका मतलब ये है कि हाथ में अपनी अलग मर्जी आ जाती है। वो बिना ऑर्डर किए किसी को छू सकता है, कोई चीज गिरा सकता है, आपका काम बिगाड़ सकता है, किसी को छेड़ सकता है, यहाँ तक कि किसी का खून भी कर सकता है, और मरीज इसे रोक नहीं पाता है। इस बीमारी से सही होने के बाद एक मरीज ने बताया कि उसका एक हाथ सिगरेट जलाता तो दूसरा उसे बुझा देता था, एक हाथ टेलीफोन मिलाता तो दूसरा अपने आप उसे काट देता था। दोस्तों, सुनने में ये बीमारी किसी कहानी की तरह लगती है, लेकिन ये सच है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो बिना देरी किए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।